सिखाती है रामचरितमानस। एक छोटा से छोटा व्यवहार करके मेरे रघुनाथ जी ने बताया, भगवान चाहते तो पुष्प ले सकते थे, कौन बोलता, लेकिन भगवान ने मालियों से पूछा आदेश हो तो पुष्प ले लें। माली जब आए, मालियों ने भगवान को देखा, कहा सरकार पुष्प लेने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके जाने में बड़ी समस्या है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राज राजेश्वरानंद जी इस पद को गाते थे, बड़ा अद्भुत वर्णन करते थे। कहते हैं कि मालियों ने कहा कि बगिया बिच परिजान ना दे हो राम जी, विनती सुनो प्रभु, आपको हम अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? आपके जो पांव है ना बड़े कोमल हैं, इसमें पंखुड़ियां गड़ जाएंगी। पंखुड़ी पंखुड़ी पायन गड़ी जई है राम जी, विनती सुनो। क्या अद्भुत भाव है मालियों का। कहते नाथ आपके पांव इतने कोमल, उसमें पंखुड़ियां गड़ जाएंगी। लक्ष्मण जी ने कहा यहां हम क्यों खड़े हैं, शोप इसमें थोड़ी खड़े हैं, अगर गड़ जाएंगी तो मैं निकाल दूंगा। मालियों ने कहा सरकार एक समस्या हो तब तो कहें। कहा अब क्या समस्या है? कहा नाथ ये जो आपका चेहरा है ना कमल जैसा है। हम लोग गाते हैं ना पद में कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान का मुख कैसा है? कहा कमल जैसा। भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। भगवान के अधर कैसे हैं? कमल जैसे। भगवान के हाथ कैसे हैं? कमल जैसे। भगवान का पांव कैसा है? कमल जैसा। भगवान का शरीर कैसा है? कहा कमल जैसा। मालियों ने कहा प्रभु आज तक इन भौरों ने एक कमल को खिलता हुआ देखा है, और आज आज यहाँ पर एक कमल में दो दो कमल खिले हैं। मतलब कहा ये जो चेहरा रूपी कमल है, इस चेहरे रूपी कमल में ये दो नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं। नाथ ये तो चमत्कार है, और इस चमत्कार को देख करके सारे भौरे आपके चेहरे पर मंडराने लगेंगे, घेर लेंगे। सबसे कोमल क्या होता है? कमल। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला अर्थात लक्ष्मी जी तभी तो विराजमान होती हैं। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, कर कमल से कोमल कमला भगवान के पद कमल। सबसे कोमल कमल है, उससे भी कोमल मेरी मैया लक्ष्मी है, उनसे भी कोमल मैया लक्ष्मी के हाथ हैं, और मैया लक्ष्मी के हाथों से भी कोमल कहते हैं भगवान नारायण के चरण हैं, और इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी मैया जब चरण दबाती हैं तो भगवान के चरण लाल पड़ जाते हैं, इतने कोमल है। कहा नाथ ये सारे भौरे घेर लेंगे, हम कैसे आपको जाने दें? लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे, चिंता न करो। मालियों ने कहा प्रभु अब दूसरी समस्या आ गई, अब क्या है? कहा प्रभु हमने सुना है कि आपके पांव में कोई बूटी लगी है, और उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन के उड़ जाती है। नाथ जब पत्थर को नारी बनने में टाइम नहीं लगा तो ये कोमल कोमल पौधे हैं, इनको नारी बनने में कितना टाइम लगेगा? जनक जी ने इस पर बड़ा खर्च किया हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग में अच्छा खासा बनवा रखा है, महाराज को क्या जवाब देंगे हम अगर सबके सब नारी बन के उड़ गए तो? लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, चलो मान लिया बूटी लगी है, लेकिन बूटी तो पांव में लगी है ना, और पुष्प कैसे लेना है? कहा हाथों से।
मालियों ने कहा, सरकार एक बात बताइए, जिसके पांव में बूटी लगी है क्या गारंटी है कि हाथ में बूटी नहीं लगी है? लक्ष्मण जी ने कहा चलो एक उपाय निकालते हैं। क्या? कहा मेरे भैया राम जी जाएंगे और जाने के बाद एक पुष्प उतारेंगे, और अगर स्पर्श करने से वो नारी बन के पौधा उड़ गया तो ये दूसरा स्पर्श नहीं करेंगे, मंजूर? मालियों ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन सरकार चौथी समस्या आ गई। अब क्या समस्या है? मालियों ने कहा कि सरसों पान शिलापद पर सत ये प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी चलिए मान लिया, लेकिन आप पुष्प लेने से पहले हाथ धुलने जाएंगे, कर प्रक्षालन करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उसी सरोवर में जाएंगे, और वो सरोवर के जो सात सीढ़ियाँ हैं वो मड़ियों से जड़ित हैं। महाराज जैसे ही पांव रखेंगे बूटी काम करेगी, सातों की सातों सीढ़ियाँ नारी बन के उड़ जाएंगे। लक्ष्मण जी निकाले बाण, बहुत हो गया तुम्हारा काम, अब नहीं मंजूर है। राम जी ने कहा शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूं। राम जी ने कहा आप लोग बता दीजिए क्या हम वापस चले जाएं? मालियों ने कहा सरकार वापस तो नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर पुष्प लेना चाहते तो एक उपाय है। उपाय क्या है? कहा जब बोलोगे सियाजू की जय तब ही राम जी विनती सुनो। जब आप दोनों भाई मिलकर के हमारी जानकी जी का जयकारा लगाएंगे तब जाकर के आपको प्रवेश करने देंगे। राम जी लगे मुस्कुराने लक्ष्मण जी को देख के, कहा भाई देखते हो दूसरे के नगर में आके दूसरे की कन्या का जयकारा लगाना है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया नाटक बहुत हो गया, अरे आप भी जानते हैं जयकारा लगाना किसका है, रोज भीतर से लगाते हैं आज बाहर से लगा दीजिए। राम जी लक्ष्मण जी दोनों ने मिलकर के जनक नंदिनी श्री जानकी जी का जयकारा लगाए, आइए हम सभी प्रेम से लगाते हैं। बोलिए किशोरी मैया की। भगवान ने प्रवेश किए, और जैसे ही प्रवेश किए गोस्वामी जी ने फिर चौपाई लिखी कि लगे ले लगे लेने। अच्छा ये बताइए दे कौन रहा है कि राम जी लेने लगे? बागीचे में तो कोई है ही नहीं, लिया कब जाता है? जब कोई देगा तभी तो लेंगे। पौधे पर पुष्प लगे हैं उसे लेना नहीं कहते, उसे चुनना कहते हैं, उसे उतारना कहते हैं। पुष्प गिरा है तो उसे लेना नहीं कहते, उसे उठाना कहते हैं। लिया तब जाता है जब सामने से कोई दे रहा हो, ऐसे संत महापुरुषों का भाव है। श्री जानकी मैया कहां से निकली है कहिए? धरती से। पेड़ पौधे कहां से निकले? धरती से। तो ये पेड़ पौधे श्री जानकी मैया के क्या लगेंगे? भाई लगेंगे। तो राम जी क्या लगेंगे? हाँ हाँ कहिए कहिए। जीजा जी लगेंगे ना। अब बताइए कौन से साला चाहेगा जीजा जी ससुराल में आके काम करें? तो कहते हैं कि जितने पेड़ पौधे से जब सबने देखा कि मेरे राम जी आए हैं, जीजा जी का पदार्पण आज बागीचे में हुआ है, सारे पेड़ पौधे पुष्प उतार उतार के देने लगे, और भगवान ने जो दोना कटोरा लिया था उसमें गिराने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा लगे लेन दल, भगवान लेने लगे। भगवान पुष्प लेना प्रारंभ किए, उसी समय मेरी माँ जानकी अपनी अष्ट सखियों के साथ में चल पड़ी, आकर के सरोवर में स्नान किया, माँ गौरी का पूजन किया, और पूजन करने के पश्चात माँ से मांगती हैं, क्या मांगा? कि पूजा कीन
के साथ पूजन किया और मैया मांगती हैं, निज आनो ने बड़े अनुराग के साथ पूजन किया और अपने अनुरूप वर मांगा। कहा मैया मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही वर चाहिए, ना हमसे बढ़िया चाहिए ना हमसे खराब चाहिए। जीवन का भी यही सूत्र है, जब विवाह हो तो इक्वल इक्वल हो। हम लोग के वहां क्या करते हैं, लड़का भले हाई स्कूल फेल हो लेकिन लड़की तो बीएससी पास ही चाहिए। मैया क्या कहती है, निज अनुरूप मेरे अनुरूप मुझे वर चाहिए, एक बार सर से पांव तक मुझे निहार लीजिए। मैया वरदान मांगती है माँ गौरी से, सारी सखियों के साथ माँ गौरी पूजन करती हैं और श्री जानकी जी की कृपा। कहते हैं गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को वर्जित है, लेकिन उसके स्थान पर श्रीमानस जी की चौपाई है, जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, इस चौपाई का पाठ करना चाहिए।